अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मई 1960 का कैलेंडर। 1960 के कैलेंडर के अंदर मई मंथ का जो महीना है उसके अंदर इस्लामिक मंथ के हिसाब से जुल्कद्दा का महीना और जुल्हिज्जा का महीना था। 1960 के कैलेंडर के हिसाब से मई महीने में जुल्कद्दा का और जुल्हिज्जा का महीना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश डेट भी लिखी हुई है और उसके नीचे इस्लामिक मंथ भी लिखा हुआ है और उसके बाजू में इस्लामिक डेट भी लिखी हुई है। जैसे कि 1 मई को जुल्कद्दा महीने की 5 तारीख थी, 8 तारीख को जुल्कद्दा महीने की 12 तारीख थी और 2 तारीख को जुल्कद्दा महीने की 6 तारीख थी, 9 तारीख को जुल्कद्दा महीने की 13 तारीख थी। तो ये हमारा जो था मई 1960 का कैलेंडर। और इस महीने में यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जुल्कद्दा महीना कभी ख़त्म हुआ था और जुल्हिज्जा महीना कभी स्टार्ट हुआ था, पहली तारीख कभी, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे इंग्लिश डेट भी लिखी हुई है, उसके बाद इसके नीचे में इस्लामिक मंथ भी लिखा हुआ है, उसके बाजू में इस्लामिक डेट भी लिखी हुई है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन या आपको कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो था वो मई का था, मई 1960 का कैलेंडर। और इस महीने में जो 15 तारीख को जुल्कद्दा महीने की 19 तारीख थी, फिर 22 तारीख को जुल्कद्दा महीने की 26 तारीख थी। तो ये उसके हिसाब से पूरा कैलेंडर है मई का 1960 का। और जुल्हिज्जा महीना जो स्टार्ट हुआ था वो 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। जुल्हिज्जा महीने की पहली तारीख जो थी वो 27 तारीख को थी, फिर 28 तारीख को 2 तारीख थी, फिर उसके बाद में 3 तारीख जो थी वो 29 तारीख को थी। तो जो जुल्हिज्जा महीना जो स्टार्ट हुआ था 27 मई को हुआ था, फ्राइडे का दिन था, उस दिन जुल्हिज्जा महीने की पहली तारीख थी। और 31 मई तक यहाँ पे जो है जुल्हिज्जा महीने की 5 तारीख थी। बाकी का जो डेट जो है इस्लामिक मंथ के हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।